गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, पकौड़ा बना लेते हैं। पकौड़े के लिए मैंने यहाँ दो बड़े साइज का प्याज लिया है, एक कप मैंने बेसन लिया है, एक से डेढ़ चम्मच मैंने यहाँ जीरा पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक, एक चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इन सबको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी पानी थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद इसे मिक्स कर लूँगी। यहाँ पकौड़े के लिए बेसन और प्याज दोनों मिक्स हो चुका है। अब मैं पकौड़ा फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई लूँगी, उसको गैस पे रखूँगी, उसमें डालूँगी तेल। तेल यहाँ गर्म हो चुका है, इसमें मैं पकौड़ा डालना स्टार्ट करती हूँ। आप देख सकते हो मैंने पकौड़ा डालना स्टार्ट कर दिया, एक एक करके मैं सारा पकौड़ा इसमें डालूँगी। इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी गोल्डन होने तक। देख सकते हो पकौड़ा एकदम पक चुका है, इन सबको मैं निकाल लूँगी, उसके बाद मैं दूसरी बारी का पकौड़ा इसी तरह मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। दूसरी बार का भी पकौड़ा अच्छे से पक चुका है, इन सबको मैं निकाल लूँगी। आप देख सकते हो मेरे सारे पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं घोल बनाना स्टार्ट करती हूँ। घोल बनाने के लिए मैंने 2 गिलास के करीब मैंने छाछ लिया है, उसमें डालूँगी 1 कप बेसन। बेसन डालने के बाद इसको मैं पहले मिक्स कर लूँगी, इसमें गुठलियाँ ना पड़े। उसके बाद इसमें डालूँगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इन सबको मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हो घोल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं कढ़ी में तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने एक भगोना लिया है, उसमें डाली हूँ 2 चम्मच तेल, 1 हरी मिर्च और 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा और उसके बाद मैं डालूँगी 1 तेज़पत्ता और 1/2 चम्मच हींग। इन सबको अच्छे से पका लूँगी, उसके बाद इसमें डालूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद इसमें डाल दूँगी कढ़ी। कढ़ी के घोल को डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसको चलाऊँगी 1 मिनट तक, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए हाई फ्लेम पर, नहीं तो कढ़ी फट जाएगी। कढ़ी में मैं 2 गिलास पानी डाली हूँ, उसके बाद इसको मैं 30 से 40 मिनट के लगभग मैं इसको पकाऊँगी लो फ्लेम पर। कढ़ी जब तक अच्छे से पकेगी नहीं, कढ़ी का टेस्ट जितना पकेगा उतना ही टेस्ट इसका अच्छा होगा। आप देख सकते हैं हमें कढ़ी में उबाल भी आ चुका है। अब आप देख सकते हो यहाँ कढ़ी मेरी एकदम अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें डालूँगी 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं फ्राई किए हुए पकौड़े डालूँगी। पकौड़ा डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। गैस मैंने ऑफ कर दिया है। आप देख सकते 5 मिनट हो चुका। अब मैं कढ़ी में तड़का लगाऊंगी ऊपर से। तड़का लगाने के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच तेल लिया है, 2 लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा अभी डालूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देगी मिर्च कलर के लिए। गैस मैंने ऑफ कर दिया है, नहीं तो मिर्च जल जाएगा। और उसके बाद मैं कढ़ी के ऊपर से डाल दूंगी। आप देख सकते हो कढ़ी के ऊपर डालने के बाद कढ़ी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी है कढ़ी। आई होप आप लोग को हमारी कढ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।